जैसे हम लोगों ने सरला धर्म कोड के बारे में भी कहा, वो भी केंद्र को भेजा है, और इस राज्य में जो हो मुंडारी कुड़ुक है इसको आठवीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और उनका वजूद बच सके। और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ बिल्कुल कदम से कदम राज्य सरकार मिलाने के लिए तैयार है, और हमारा पूरा प्रयास है कि राज्य के आदिवासियों को आने वाला समय में इनको पहचान के साथ, इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति के साथ आगे बढ़ाने का जो हम लोगों का संकल्प है, भाषा और भाषा के साथ निश्चित रूप से ये हमारे पहचान का प्रतीक है, इन्हें भी आगे ले जाने का काम करना होगा। और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र से भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो उसके मंत्री हैं वो हमारे ही राज्य से आते हैं। तो आदरणीय बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी से आग्रह करेंगे कि विशेष रूप से इस राज्य के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, ताकि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, यहाँ के आदिवासियों को बड़े पैमाने पर मौका मिल सके। आज छोटा छोटा मशीन आने लगा, अभी कुछ दिन के बाद एक हम लोग कृषि मेला लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ किसानों को बड़े पैमाने पर जो आप मूढ़ी बनाते हैं और तरह तरह के चना भूजते हैं और बाजार में बेचते हैं, वो सब मशीन में बचता, आज के दिन में मूढ़ी बनता है। पहले तो बालू में लोग घाट के बनाता था, इसीलिए बातें बहुत है, समय का अभाव है, आदरणीय महामहिम को जाना भी आगे के कार्यक्रमों में। मैं कुछ बातों को अंकित करना चाहूंगा, चूंकि इस देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठी एक आदिवासी समुदाय की हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया यहाँ हमारे राज्य में, पहले राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया और देश के आदिवासियों को दिशा देने का भी मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। इस राज्य के कुछ बहुत ही, मैं कहूंगा कि आदिवासी समुदायों के लिए जीवन वरण की मांग है, उन सब को कृपया अगर केंद्र से स्वीकृति दिलाई जाए तो निश्चित रूप से इस राज्य के आदिवासियों का वजूद बचेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।